कुछ ही है। आज है मंडे और मैं जा रही हूँ भाई कॉलेज, चेक कर सकते हो। मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, मैं उठी थी फजर की नमाज के लिए। तो जब हमने नमाज अदा की तो फिर जो है ना हम कॉलेज के लिए रेडी होने लगे। और अब फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, बट अभी स्कार्फ वेयर करना है और उसके अलावा बैग रेडी करना है और फिर चलना है हमने कॉलेज। तो अभी कॉलेज जाने का सीन बना रहे हैं, तो चलिए हम कॉलेज चलते हैं। और छोटे बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ठीक है, मतलब कि मेरी सिस्टर्स, मैं बड़ी हो गई हूँ भाई, ठीक है, सिर्फ कॉलेज और स्कूल जाने में बड़ी होती हूँ, बाकी सब में मैं छोटी होती हूँ। तो ये है जी मनाहिल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये जा रही है स्कूल, ये जा रही है स्कूल, ये जा रही है स्कूल। और हम हो गए हैं जी बड़े बच्चे, तो हम जाएंगे भाई सीधा कॉलेज। तो अभी जाते हैं, बैग वगैरह रेडी करते हैं और कॉलेज का सीन बनाते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारी छोटा मुन्ना है वो सो रहा है अभी, ठीक है, जब वो उठेगा तो जब मैं कॉलेज से आ जाऊँगा तो जो है ना जब मैं कॉलेज से आ जाऊँगा तो ये मेरा छोटा मुन्ना उठेगा, तो फिर हम उसे फिर लेंगे व्लॉग में। तो अभी चलते हैं और जाते हैं हम कॉलेज, फिर आगे जो भी सीन बनेगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे आप लोग, होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी कनक चीकी लकी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फाइनली गाइज मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ, ठीक है, अब जा रहे हैं हम लोग कॉलेज, ठीक है। मैंने सब कुछ याद से रख लिया है, अपना कार्ड भी रख लिया जिससे मैंने अटेंडेंस लगानी है, क्योंकि हर बार मैं वही भूल जाती हूँ और मेरी अटेंडेंस नहीं लगती। हाँ, महीने में मैं एक दफ़ा जाती हूँ लेकिन वो अटेंडेंस लग ही नहीं पाती। तो आज भाई मैंने याद करके जो है ना अटेंडेंस कार्ड भी रख लिया, वॉच वगैरह पहन ली, बैग भी बिल्कुल रेडी कर लिया, सब बुक्स रख ली, देन अब निकलते हैं हम। हमें रास्ते से कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करवाने हैं और फिर हम जाएंगे कॉलेज, फिर कॉलेज जाके आपको मिलते हैं। तो भाई अभी जो है ना मेरे कॉलेज का टाइम है और मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, फिर वहाँ पहुँचेंगे और क्या सीन्स है वो देखेंगे, ठीक है। अभी पापा वेट कर रहे हैं इसलिए अभी टाइम नहीं मेरे पास, करते हैं हम आपसे बाद में बात। तो चलिए चलते हैं। कुछ हुआ, अभी अभी मैं आई हूँ कॉलेज से और कॉलेज की आज हुई है लेट छुट्टी, बिकॉज कुछ मसला चल रहा था। और आपको पता है मैंने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने थे तो मैंने जमा करवा लिए हैं, ठीक है। और ये आप लोग जो है ना मेरे चुट्टे में बल देख सकते हैं, ये मेरी मम्मा जो है ना ऐसे मेरे चुट्टे में बल डाल के रखती है हमेशा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है ना हमें आ रही है बहुत तेज़ नींद, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो आज कॉलेज में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो आउटफिट चेंज करते हैं और सोने जाते हैं, बस ख़त्म। और ये मेरी बहन का व्लॉग है, मतलब मिफ्रा सिद्दीकी कराची की लड़की का व्लॉग है, वो बना रही नहीं क्योंकि वो कॉलेज से आते साथ सो गई हैं और इसलिए हम लोग जो है उठे हुए थे, हमने बोला हम ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पूरी रूटीन दिखाएंगे कि हम लोग करते क्या है, ठीक है, पूरे दिन भर हम लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, सब चीज़ें आपको बताएंगे इस व्लॉग में। और हमारी बहन अभी फिलहाल सो रही है इसलिए हम लोग जो है व्लॉग बना रहे हैं, वरना हम लोग यहाँ पर नहीं होते, वरना मध्य से बैठी होती है मैं नहीं। जी हमारे सब सो रहे हैं, सिर्फ हम दोनों उठे हुए थे तो इसलिए हम व्लॉग बनाने लग गए, ठीक है। सो गाइस बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से मैं सो गई थी और जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि मेरी बहनें व्लॉग कर रही थी, तो भाई मैंने वो पार्ट भी ऐड कर दिया इसमें। तो भाई अभी जो है ना मैं जा रही हूँ एक स्पेशल सी जगह, तो भाई मैं तैयार व्यार हो चुकी, मैंने आउटफिट वगैरह पहन लिया है सोकर उठने के बाद, जो मुझे कॉल आई तो मैंने जल्दी जल्दी से आउटफिट पहना। तो भाई अभी हम वहाँ जा रहे हैं लोकेशन पर अपनी, तो मैं जो है ना आपको वहाँ लोकेशन पर जाके आपसे मिलती हूँ, ओके जी। सो भाई आज का सीन कुछ यूँ है कि भाई आज हम आए हैं पार्लर और मेरे आते ही जो है ना लोगों ने हेयर स्टाइलिंग की, तो मैं जो है ना हेयर स्टाइलिंग करवा चुकी हूँ, आई हैव डन विद दिस, और इतना प्यारा लुक लग रहा है ना, ओह माय गॉड वाओ। तो भाई मैं आपको फुल आउटफिट भी दिखाती हूँ। और अभी जो है ना हमारी मॉडल आई हुई है कुछ तैयार होने के लिए, तो उनके लिए सेटअप हो रहा है मेकअप का। तो यहाँ हमारी बेचारी नयाब जो है ना ये सेटिंग कर रही है मेकअप की, नयाब ये रही हमारी नयाब, तो ये कर रही है मेकअप की सेटिंग। और यहाँ मेरा ये फुल लुक है, ठीक है, ये रहा जी मेरा फुल लुक, चेक कर सकते हो। और जी अब हम जा रहे हैं, हमारी जो मॉडल है ना वो तैयार होने आ चुकी हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। तो आज दिन में जो जो होने वाला है, शाम में मतलब के जो जो होने वाला है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मतलब के स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। तो भाई हम लोग जाना अभी फोर्थ रूम में आए हैं, मतलब के मेकअप रूम में, और यहाँ सेटिंग चल रही है क्योंकि हमारी मॉडल आई हुई है तैयार होने के लिए और अभी हमने करना है उसका मेकओवर। तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि भाई अपने अपने घर के मसले होते हैं, एक तो व्लॉग हमें आने के इतने बड़े बड़े मसले हैं लोगों के कि वो व्लॉग्स में नहीं आ सकते क्योंकि यार घर में परमिशन नहीं होती, एक हमें मिल गई तो पूरी दुनिया को नहीं मिली है, ठीक है। तो मैं आपको मॉडल के पास हल्का सा ना सूट की झलक दे देती हूँ कि वो क्या पहनने वाली, और वो काशीज का ड्रेस पहनने वाली है और काशीज की ज्वेलरी पहनने वाली है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सी झलक दे देती हूँ कैसा सूट, मतलब ड्रेस कैसा होगा। तो ये ड्रेस है ब्लू कलर में कुछ इस टाइप का, मतलब
कलर तो माय गॉड बहुत प्यारा लग रहा है, ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। और इससे आगे थोड़ा सा जो है इसकी शलवार कमीज वगैरह जो भी है, और ये इनका ड्रेस है, इतना प्यारा लग रहा है, मतलब कलर बहुत वाओ है, मतलब डार्क ब्लू गया, ओ माय गॉड वाओ। सो मैंने ब्लैक कलर पहना हुआ, ऑब्वियसली दिस इज़ माय फेव कलर, और मैं अभी जो है ना मेकअप रूम में आई हुई, तो दिस इज़ माय फेव, यू नो डैट, मद्दशा ब्यूटी सैलून। तो भाई लाइक करो, कॉमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, और तो शेयर करना तो भूलना मत ना फिर।